हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोटरम चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी दो डिजिट नंबर के स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंपली ट्रिक से। तो हमारे पास यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, इसी के सारे हम लोग एकदम सिंपल ट्रिक को समझेंगे किसी भी दो डिजिट स्क्वायर को फाइंड करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्या करना है हमें। 3 × 6 × 2, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने यहाँ क्या किया। देखिए यहाँ पे 36 का यहाँ पे 3 इसको यहाँ पे ले लिया, इसका 6 का यहाँ पे हो गया और स्क्वायर जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए कहाँ से आया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 × 2 को, तो कितना आएगा हमारा, सिंपली 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और कभी भी यहाँ पे दो डिजिट में हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट में लिखेंगे तभी हमारा स्क्वायर का ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, अब 6 का क्या होता है, स्क्वायर 36 होता है। तो सिंपली यहाँ पे दो डिजिट है पहले से ही, तो 0 नहीं लगाएंगे, एक ही डिजिट पे रहता है तो 0 लगा देते। ठीक है, यहाँ पे हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई किया है वहां पे ऐड कर देंगे, एक जगह छोड़कर यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, वंस प्लेस को छोड़ देना है। अब इसको ऐड कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे हमारा 12 का 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारा 36 का स्क्वायर सिंपली आ चुका है 1296। ठीक है, हमारा सिंपली आ चुका है 36 का स्क्वायर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। 43 का स्क्वायर है अब। ठीक है, अब 43 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सिंपली उसी तरह करना है। यहाँ पे 4 × 3 × 2, यहां से आया 4, यहां से 3 आया, यहां से 2 आया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपली 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 होता है। ये दो डिजिट में है तो 0 नहीं लगाएंगे, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो एक ही डिजिट में है, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे पुट करेंगे, एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पे 24 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हमारा 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। हमारा 43 का स्क्वायर क्या आ गया, 1849। सिंपल ट्रिक है, आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। अब हमारा 96 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपली वही काम करना है, 9 × 6 × 2 यहां से आया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपली कितना आएगा, 108 आएगा, 108। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9×9 = 81। इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये पहले से दो डिजिट में है तो यहाँ पे 0 नहीं लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए 108 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो एक जगह छोड़कर यहाँ पे 108, वंस प्लेस को हमें छोड़ ही देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे तो 6 आ गया, यहाँ पे हो गया 11 का 1, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 9। तो हमारा कितना आ गया, 96 का स्क्वायर, 9216। एकदम सिंपल ट्रिक है, दो डिजिट के स्क्वायर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जाते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।